नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और वक्त हो गया है दिल्ली के दिन भर की बड़ी खबरें बताने का। दिल्ली सरकार को मिली न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की अनुमति, लाखों श्रमिकों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी करने की इजाजत दे दी है। इस मंजूरी से श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 37% की बढ़ोतरी हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 14,842 रुपए प्रति माह और क्लर्क व सुपरवाइजरों के लिए 16,341 रुपए प्रति माह का न्यूनतम वेतन प्रस्तावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अधिसूचना से प्रभावित होता है तो वह कानून की मदद लेने का अधिकारी होगा। बता दें कि यह मामला अदालतों में करीब 2 साल से लंबित था। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सभी स्थायी, निश्चित अवधि वाले, अनुबंधित, अस्थायी और दिहाड़ी श्रमिक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से खुश होंगे। भारतीय जनता पार्टी को झटका। 3 महीने पहले भाजपा में आए सुरेंद्र चौधरी आप में शामिल, केजरीवाल ने पहनाई टोपी। दिल्ली में बसपा से विधायक रहे सुरेंद्र चौधरी गुरुवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। करीब 3 महीने पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहनाकर सुरेंद्र चौधरी को आपकी सदस्यता दिलाई। केजरीवाल ने कहा कि बेहतर विचारधारा वाले लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं। आप में शामिल होने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने दिल्ली सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही भाजपा को दलित विरोधी बताया। इससे निराश होकर उन्होंने भाजपा छोड़ने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व विधायक राज सिंह सहानी आप में शामिल हुए थे, वहीं अब भाजपा नेता सुरेंद्र चौधरी ने भी यही दिशा पकड़ी है। साफ है कि सकारात्मक सोच वाले लोग आपसे जुड़ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि बीते 5 सालों में आप सरकार ने दिल्ली में जो जनहित काम किए हैं उससे दिल्ली वाले खुश हैं। अयोध्या केस में वकील राजीव धवन के खिलाफ शिकायत दर्ज, कोर्ट में फाड़ा था मंदिर का नक्शा। अयोध्या केस के वकील के खिलाफ बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के संयोजक संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि राजीव धवन ने इस केस की आखिरी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के अंदर मंदिर का नक्शा फाड़ दिया था। इसी से नाराज दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के संयोजक अभिषेक दुबे ने धवन के खिलाफ अव्यवस्था फैलाने के मामले में शिकायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान एक अप्रत्याशित घटना हुई, जब मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने भरी अदालत में एक नक्शे को फाड़ डाला। यह नक्शा अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा अदालत में पेश किया गया था। महासभा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने संविधान पीठ के समक्ष कहा कि अब तक किसी भी पक्षकार ने यह नहीं बताया कि भगवान राम का जन्म किस जगह पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि की सुनवाई पूरी होते ही जेएनयू में राम के नाम की स्क्रीनिंग। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई पूरी होते ही जेएनयू में राम मंदिर आंदोलन के दौरान बनी चर्चित डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है। इस फिल्म के प्रदर्शन और रिलीज को लेकर शुरुआत से ही दक्षिणपंथी संगठन विरोध में रहे हैं। देश के सबसे बड़े विवादित और चर्चित मुद्दे में राम मंदिर का मुद्दा शामिल है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है। इसी दौरान जेएनयू के छात्र संघ ने इस डॉक्यूमेंट्री को फिर से दिखाकर इस मामले को फिर से तूल दे दिया है। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उनकी पत्नी पर ठगी का केस दर्ज। दिल्ली के मालवीय नगर थाने में पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, उनकी पत्नी फरहीन प्रभाकर, बेटे सहयोगी संजीव गोयल और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों के खिलाफ ठगी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज कराया गया है। मनोज प्रभाकर और अन्य लोगों पर लंदन में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का फ्लैट कब्जाने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। महिला का नाम संध्या शर्मा पंडित है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अपार्टमेंट में महिला का दूसरी मंजिल में घर है। उसी अपार्टमेंट के पहले फ्लोर पर मनोज प्रभाकर भी रहते हैं। आरोप के मुताबिक फ्लैट के फर्जी कागजात बनवाकर महिला के फ्लैट का ताला तोड़ा गया और उसमें एक अपने जानकार को रखा गया। आरोप में यह भी कहा गया है कि महिला का पूरा सामान भी चोरी कर लिया गया है। दर्ज केस में कहा गया है कि महिला को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और 1.5 करोड़ रुपए की भी मांग कर रहे थे। तीसरे दिन दिल्ली की हवा बेहद खराब, सभी इलाकों में AQI 300 के पार।
दिल्ली सहित एनसीआर की हवा लगातार तीसरे दिन वेरी पुअर कैटेगरी में बनी हुई है, जिसके कारण सेहत को लेकर खतरा बना हुआ है। दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर जा चुका है, जो कि खतरे की घंटी है। कुल मिलाकर दिल्ली में हवा का स्तर यानी AQI 306 अंक पर पहुंच गया है। इलाके के हिसाब से देखें तो DU में 309 अंक, आया नगर में 311 अंक, एयरपोर्ट पर 315 अंक और लोधी रोड पर यह आंकड़ा 302 अंक पर पहुंच गया है। इसके अलावा NCR में भी हालत कुछ ऐसे ही है। NCR के इलाकों में भी हवा का स्तर काफी गिरा हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में 305 अंक और गुरुग्राम में यह 314 अंक पर पहुंच गया है। ऑड इवन में दिल्ली वालों को नहीं होगी मुश्किल, 2000 CNG बसें किराए पर लेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली कैबिनेट ने ऑड इवन योजना के दौरान अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने की मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग ने DTC को 2000 अतिरिक्त CNG बसें किराए पर लेने को कहा है। दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवन योजना लागू रहेगी। इस दौरान लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने इंतजाम करना शुरू कर दिया है। DTC इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगा और बसों के संचालन से उत्पन्न राजस्व को अपने पास रखेगा, जबकि चालक और बसों के रखरखाव सहित अन्य सभी जिम्मेदारियों का वहन बस मालिक को करना होगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली केजरीवाल की बेटी ने चुनाव के लिए छुट्टी ली। बेटी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को बताया आजादी की दूसरी लड़ाई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, मेरी बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, वह 5 महीने की छुट्टी लेकर आई है, वह मेरे विधानसभा में घूम रही है, लोगों से मिल रही है और लोग उससे कह रहे हैं आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, आप तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, CM तो चुनाव जीत ही जाएंगे। उसने कहा, मैं CM के लिए नहीं आज़ादी की दूसरी लड़ाई में आहुति देने आई हूँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आज वो हमारा वॉलेंटियर बन गया है। जिसने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, वो मन से आशीर्वाद देता है। आज जितने लोग तीर्थ यात्रा से होकर आए हैं, वो कट्टर वॉलेंटियर बन गए हैं। दिल्ली में स्कूलों की स्थिति में सुधार का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा, मेरे पास एक RSS का बंदा आया, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसने बोला कि दिल्ली में आपको वोट दूंगा। BJP और RSS वाले दिल से आम आदमी पार्टी सरकार के काम की तारीफ करते हैं। दिल्ली में लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे एनकाउंटर, 1 लाख के इनामी बदमाश को लगी गोली। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब दिल्ली पुलिस भी एनकाउंटर मोड में आ गई है। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे आज सुबह एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 1 लाख के इनामी बदमाश इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इकबाल पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दिल्ली SDF क्राइम ने शुक्रवार सुबह इकबाल नाम के नामी बदमाश के साथ मुठभेड़ को अंजाम दिया। पुलिस ने इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जिस पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज थे और अभी हाल ही में नोएडा में हुए 65 लाख की लूट में शामिल था। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में यह 5वां एनकाउंटर था। इकबाल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास का रहने वाला था। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को 6 महीने की जेल, BJP नेता से की थी मारपीट। दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी के विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई है। यही नहीं, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है, साथ ही 1-1 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के मुताबिक रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है, जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमित गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है। ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी दिल्ली।